अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, मेरा नाम है सुभान, आप देख रहे हैं उर्दू गेमर। बेसिकली आज मैं आपको कुछ ऐसी गेम्स के बारे में बताने जा रहा हूँ जो 8GB रैम पे सपोर्टेड होंगी। और 8GB रैम का अगर आपका पीसी है तो उस पर बेसिकली बड़ी ईजिली गेम चलेंगी और गेम होंगी आज की, यानी कि आज की जनरेशन की, और बड़ी ज़बरदस्त हाई ग्राफिक्स और सब कुछ बेस्ट होने वाला है। लेकिन उसमें मिनिमम 2GB ग्राफिक कार्ड आपके पास हो तो बेहतर है। 1GB की भी मैं बीच में कुछ गेमें बताऊंगा जो 1GB ग्राफिक कार्ड पर चलेंगी। तो सबसे पहले अगर आप न्यू हैं तो यार चैनल सब्सक्राइब कर दो, क्योंकि मैं ऐसी चीज़ें लाता रहता हूं यहाँ पे, ताकि आपको सबसे पहले वो वीडियोस मिल जाएं। और वीडियो को लाइक कर दो, और अगर कोई गेम रह गई है तो नीचे यार कमेंट करके मुझे बता दो, क्योंकि ये पहला पार्ट है, इसके बाद इसका दूसरा पार्ट भी आएगा, उस पर मैं ऐसी ही मज़ीद गेमें बताऊँगा। तो शुरू करती है। और यहाँ पर नंबर 20 पे मैंने रखा है माफिया डेफिनेटिव एडिशन। बेसिकली ये माफिया 1 का रीमास्टर वर्जन है और काफ़ी अच्छे ग्राफिक्स फिज़िक्स इसमें डाली गई हैं। अगर यहाँ पे स्पेसिफिकेशन की बात करें जिस पे आपने खेलनी है, तो इंटेल के लिहाज से i5 होना चाहिए सेकंड जनरेशन का। अगर आपका फर्स्ट जनरेशन का है तो उस पर भी चल जाएगा, इवन i3 पे भी चल जाएगा, इशू नहीं है। इसके अलावा रैम इस पर 8GB के अलावा 6GB भी आपकी बिल्कुल सही चलेगी, आपको कोई किसी किस्म का लैग इसमें नज़र नहीं आएगा। लेकिन जो ग्राफिक कार्ड है वो आपका मिनिमम 2GB होना चाहिए। GTA 660 हो जाए या उससे नीचे भी हो जाए चल जाएगा। AMD का भी कोई 2GB का हल्का सा हो चलेगी, उस पर गेम कोई इशू नहीं है। और इसके अलावा 50GB की आपके पास हार्ड डिस्क में फ्री स्पेस होनी चाहिए। और भी मैं आपको बताता हूँ कि डाउनलोड कहाँ से करनी है वीडियो के एंड पर। और यहाँ पर नंबर 19 पे मैंने आपकी फेवरेट सुपर हीरो गेम का नाम रखा है। बेसिकली वो है मार्वल्स एवेंजर। और अगर इसकी CPU की बात, यानी कि इसकी स्पेसिफिकेशन की बात कर लें जो रेकमेंड है, यानी कि लो एंड के लिए, वो कुछ यूँ है कि i3 होना चाहिए 4th जनरेशन का और 8GB रैम होनी चाहिए। लेकिन अगर आपके पास 2nd जनरेशन का i3 भी है तो उसमें भी ये बहुत इजी चल जाएगी। और इसके अलावा रैम इसमें 8GB इन्होंने मिनिमम की हुई है, लेकिन 6GB में भी चल सकती है इजी, इशू कुछ नहीं होगा। और यहाँ पे इन्होंने मिनिमम GTX 950 बोला हुआ है आपका, 660 पे भी इजी चल जाएगा। 2GB का बस आपका होना चाहिए। और अगर यहाँ पे मेमोरी की बात करें तो 75GB आपके पास मेमोरी अवेलेबल होनी चाहिए इस गेम के लिए। टेंशन नहीं लेनी, इसका भी लिंक आपका भाई आपको देगा। यहाँ पर नंबर 18 पे मैंने आपके लिए रखा है प्रोजेक्ट कार्स 3। बेसिकली ये ओपन वर्ल्ड रेसिंग गेम है और ग्राफिक के लिहाज से भी काफ़ी अच्छी और एडवांस है, यानी कि आजकल के हिसाब से गेम बनाई गई है। और अगर इसकी जो मेमोरी की बात की जाए तो मेमोरी यहाँ पे 50GB हाली होनी चाहिए इस गेम के लिए। 2GB का वही ग्राफिक, इसमें कोई ज़्यादा है बड़ा ग्राफिक या हैवी ग्राफिक कार्ड होने की भी ज़रूरत नहीं है। और CPU बस आपके पास इंटेल का 3.5 GHz का होना चाहिए, यानी कि सीधी तरह मैं आपको अगर बताऊं तो डुअल कोर आपके पास प्रोसेसर होना चाहिए और आपकी उस पर चल जाएगी। तो स्टार्ट करते हैं। इसका लिंक भी मैं ना आपको दे दूंगा एंड पे, टेंशन ही लेनी। और यहाँ पर नंबर 17 पे मैंने रखा है रेड डेड रिडेम्पशन 2 को। बेसिकली ये गेम रॉकस्टार वालों की तरफ से आती है, ओपन वर्ल्ड एनवायरनमेंट है सारा, और फिज़िक्स इस गेम की काफ़ी अच्छी है। लेकिन 1899 पे बेस्ड गेम है, यानी कि काफ़ी पुरानी, यानी कि टाइमलाइन इसमें है, लेकिन रॉकस्टार की गेम है तो जहरी बात अच्छी है। तो CPU की बात करें इस पर मिनिमम आपको चाहिए i5 सेकंड जनरेशन का। लेकिन अगर आपके पास फर्स्ट जनरेशन का भी i5 है तो उस पर चल जाएगी। और यहाँ पे 8GB रैम आपको लाजमी रिक्वायर्ड है मिनिमम, ठीक है, यानी कि 8GB रैम भी ईजिली चलेगी। लेकिन कम करेंगे तो थोड़ा गेम में लैग आ सकता है। और वीडियो की बात करें यहाँ पर तो वीडियो मेमोरी की तो आपके पास GTX 770 ये कह रहे हैं होना चाहिए, लेकिन आपके पास GTX 710 होना चाहिए मिनिमम इसको प्ले करने के लिए। और AMD वाली ग्राफिक्स साइड से बात करें तो R7 होना चाहिए आपके पास मिनिमम, इस पर चल जाएगी। और इस मेमोरी की बात करें इस गेम की, कितनी ये मेमोरी स्पेस लेगी आपके कंप्यूटर पर, तो ये गेम 150GB आपकी हार्ड डिस्क में स्पेस बनाएगी। तो इसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में तो नहीं, अभी मैं बताऊंगा आपको किस तरह आपने डाउनलोड करनी है। वीडियो को एंड तक देखें। अब यहाँ पे इतनी गेमों की बात हो रही है तो नंबर 16 पे मैंने रखा है टॉम क्लैंसी की रेनबो सिक्स सीज को। बेसिकली ये गेम आपके काफ़ी लो PC पे भी चल जाएगी, लेकिन रैम आपको यहाँ पर 6GB की रिक्वायर्ड होगी। बेसिकली जिस तरह आप PUBG PC खेलते हैं उस तरह का इन्वायरमेंट मिलेगा आपको। इसमें थोड़े ग्राफिक और फिजिक्स बेहतर हैं। इसमें रैम आपको 6 GB रिक्वायर्ड होगी और CPU की बात करें तो i3 फर्स्ट जनरेशन में भी ये चल जाएगी। ग्राफिक कार्ड पे कोई इतनी इन्होंने सख्ती नहीं की हुई, 1 GB का आपका इवन के ओल्ड ग्राफिक कार्ड भी हो तो उस पर भी ये चल जाएगी। लेकिन जो मेमोरी वाली स्पेस की बात करें हार्ड डिस्क में आपकी तो 30 GB की ये मिल जाएगी आपको, ठीक है। तो अभी मैं इसका कुछ एंड में बताता हूँ आपको ये डाउनलोड हो सकती है या नहीं। तो नेक्स्ट पे चलती है। अब जो नंबर 15 पे मैंने गेम रखी है वो भी टॉम क्लैंसी की दी डिवीजन है, और यानी टॉम क्लैंसी के रिलेटिव ही गेम है यानी किसी कंपनी की, और द डिवीजन 2 इसका नाम है। ये भी वैसे ही यानी कि ज़ोंबी और इसमें काफ़ी और मज़ीद चीज़ें हैं। लेकिन अगर इसकी स्पेसिफिकेशन की बात की जाए, स्पेसिफिकेशन थोड़ी इसकी तकड़ी होगी। i5 सेकंड जनरेशन में मिल जाएगी आपको। इसका CPU मिनिमम सेकंड जनरेशन का i5 होना चाहिए। 8 GB रैम इसमें लाजमी है, 2 GB का ग्राफिक कार्ड होना चाहिए, R9 भी हो तो चल जाएगा, इवन के GTX 660 भी हो तो वो भी चल जाएगा। और अगर बात करें इसकी मेमोरी की तो ये आपकी हार्ड डिस्क में 100 GB की स्पेस बनाएगी। और अगर यहाँ पर नंबर 14 की बात करूँ तो नंबर 14 पे रखा है मैंने राइज ऑफ द टॉप राइडर। बेसिकली एक न्यू गेम है। CPU यहाँ पे आपका i3 भी हो, सेकंड जनरेशन गेम एंड फर्स्ट जनरेशन का गेम चल जाएगी आपके अंदर। रैम यहाँ पे 6 GB मिनिमम रिक्वायरमेंट है, 2 GB का ग्राफिक कार्ड होना चाहिए जो कि GTX 560 या भी हो सकता है आप, लेकिन जो 650 है उन्होंने रेकमेंड किया हुआ है, लेकिन आप 560 वगैरह भी लगा सकते हैं, इशू नहीं है। और इसकी स्पेस की बात की जाए कि कितनी स्पेस आपके कार्ड में ये लेगी तो ये लेगी 25 GB यानी 25 GB। तो गेम में काफ़ी ज़्यादा एक्शन एडवेंचर है और एंशंट चीज़ें हैं काफ़ी ज़्यादा, तो आपको इस चीज़ की काफ़ी मज़ा आएगा। स्टोरी भी इसकी अच्छी है। तो यहाँ पर नंबर 13 की बात करते हैं। नंबर 13 पे है वर्ल्ड वॉर Z। ये गेम मैं पिछले दिन हम अपने चैनल पे भी खेल रहा था, आपने देखी होगी लाइव स्ट्रीम में, नहीं देखी तो जाके देख सकते हैं। बेसिकली इसकी आपको यानी ज़ोंबी एनवायरनमेंट वाली गेम है सारी। और इसके मिनिमम रिक्वायरमेंट्स की बात करें तो आपके पास i3 होना चाहिए थर्ड जनरेशन का, लेकिन आप इसको सेकेंड और फर्स्ट जनरेशन के i5 पे भी ईजिली चला सकते हैं। 8 GB की रैम होनी चाहिए। वीडियो मेमोरी यहाँ पे 2 GB लाजम है, वो आपके पास होनी चाहिए DirectX 11 वाली। और मेमोरी की बात करें इस गेम की तो ये 35 GB की आपकी हार्ड डिस्क में आएगी। तो गेम के ग्राफिक, फिज़िक्स और ज़ोंबी एनवायरनमेंट मुझे तो बहुत पसंद आया, उम्मीद आप लोगों को भी पसंद आए। इसका भी लिंक आपको मिलेगा। यहाँ पे नंबर 12 को मैंने रखा है Battlefield 1 को। Battlefield 1 के लिए बेसिकली मैंने आपको बता देता हूँ, ये एक सोल्जर टाइप गेम है। इसमें आपको मिशंस मिलते हैं और बाज़ात आपने वन मैन आर्मी के मिशन करने होते हैं, यानी कि अकेले मिशन करने होते हैं। बाज़ात आपको अपनी पूरी आर्मी के साथ जाना पड़ता है। गेम का एनवायरनमेंट, स्टोरी काफ़ी अच्छी बनाई गई है इनकी। लेकिन इसकी अगर स्पेसिफिकेशन की बात करें तो i5 आपके पास यहाँ पर वो 6th जनरेशन कहते हैं, लेकिन मैंने तो यार ये फर्स्ट जनरेशन के i5 में खेला था किसी वक्त में अपने। 6 GB रैम होती थी मेरी, लेकिन आप भी 6 GB रैम में इजीली ये खेल सकते हैं। उसके बाद वीडियो मेमोरी की बात यहाँ की जाए तो वो 2 GB लाजमी होनी चाहिए। तो 1 GB भी वैसे चल जाएगी, इशू नहीं है। मैंने 1 GB भी चलाई हुई है, लेकिन 2 GB हो तो ज़्यादा अच्छा आपको एक्सपीरियंस मिलेगा। और हार्ड डिस्क स्पेस की बात करें तो यहाँ पर 50 GB आपके PC में ये स्पेस लेगी, लिंक भी मिलेगा। नंबर 11 पे मैंने यहाँ रखा है PUBG PC Lite को। PUBG Lite जो है बेसिकली वो PUBG PC का ही लाइट वेरिएंट है, जिनके अंदर ये गेम्स है इससे नहीं चल सकती। बेसिकली अगर आपके पास रेकमेंडेशन तो i3 की है यहाँ पे, लेकिन अगर आपके पास ड्यूल कोर CPU भी है तो ये गेम आपके PC में ईजिली चल जाएगी। 4 GB रैम की मिनिमम रिक्वायरमेंट है इसके लिए। और अगर आपके पास 512 यानी 512 MB का ग्राफिक कार्ड है तो उस पर भी ये चलेगी। और यहाँ पे बात करते हैं तो आपकी स्पेस की, तो 4 GB आपके हार्ड डिस्क में स्पेस लेगी। बेसिकली इसके अंदर बैटल रॉयल मोड्स होंगे, TDM टीम डेथ मैच होगा, और भी काफ़ी चीज़ें यानी कि इसमें डाली गई हैं, ट्रेनिंग वगैरह, जहाँ आपने अपने दोस्तों के साथ मिलकर ये गेम खेल सकते हैं। और ये गेम है भी फ्री है। लिंक तो वैसे मैं आपको दे दूँगा इसका, लेकिन क्या नाम है, ये कोई क्रैक गेम नहीं है, ये है ही वैसे फ्री है। नंबर 9 पे मैंने यहाँ पे रखा है Assassin's Creed 3 को। बेसिकली ये गेम काफ़ी एक्शन एडवेंचर वाली है, लेकिन इसमें असैसिनेशन करना होता है अपने टारगेट्स को। और इसकी सीपीयू की बात करें तो यहाँ पे कोटो ड्यूल आपके ईजिली चल जाएगा, यानी कि पुराने पीसी में चल जाएगा। रैम 2 GB भी हो तो ईजिली गेम चलेगी, अच्छे ग्राफिक मिलेंगे, और वीडियो मेमोरी की 512 यानी 512 MB आपके पास होनी चाहिए। लेकिन जो मेमोरी स्पेस है इसकी हार्ड डिस्क की वो 70 GB आपके पास होनी चाहिए। लिंक भी आपको इसका मिलेगा। नंबर 8 पे करते हैं एक ट्रकर गेम के बारे में बात, जो कि है अमेरिकन ट्रक सिम्युलेटर। बेसिकली ये गेम में काफ़ी ज़्यादा एडवेंचर है लेकिन रेसिंग के टाइप से, और सीपीयू की बात करें तो कोटो ड्यूल भी हो तो आपका चल जाएगा। 4 GB रैम रिक्वायर्ड है और 512 MB वीडियो मेमोरी रिक्वायर्ड है। और अगर इसकी वीडियो स्पेस यानी गेम की स्पेस की बात करें तो 8 GB आपके पास स्पेस अवेलेबल होनी चाहिए। लिंक भी मिलेगा इसका। यहाँ पे 7 नंबर की बात करें स्टेट ऑफ डिके 2। बेसिकली ये ज़ॉम्बी सर्वाइवल गेम है और इसमें इसके अलावा भी बहुत सी चीज़ें हैं। यहाँ पे मैं आपको बेसिकली इसकी स्पेसिफिक बताने आया हूँ। आप YouTube पे अलग से वीडियो भी सर्च कर सकते हैं गेम की, गेम प्ले देखने के लिए। मैं अभी शॉर्ट ही डाल रहा हूँ। अगर इसकी स्पेसिफिकेशन की बात करें तो यहाँ पर i5 2nd जनरेशन होना चाहिए, लेकिन 1st जनरेशन हो तो चलेगा उसमें भी। और रैम यहाँ पर 8 GB रिक्वायरमेंट है इसकी, लेकिन 6 GB भी चल जाएगी। और आपके पास ग्राफिक कार्ड मिनिमम 2 GB का होना चाहिए और हार्ड डिस्क स्पेस अवेलेबल होनी चाहिए आपके पास 20 GB। लिंक इसका भी मिला दिया जाएगा आपको। और अगर यहाँ पे नंबर 6 की बात करें तो इसकी सीरीज़ ऑलरेडी मेरे चैनल पे चल रही है आउटलास्ट 2 की। तो बेसिकली आउटलास्ट 2 एक सर्वाइवल गेम है जहाँ पर एक यानी कि स्टोरी, अगर आप मेरी वीडियो देखेंगे तो आपको समझ आ जाएगी। वहाँ पर एक ऐसी स्टोरी चल रही है कि एक वेव छोड़ के लोगों को पागल किया जा रहा है और उसकी वजह से सारे लोग इनको मार रहे हैं। और यानी कि बड़ी ज़बरदस्त हॉरर सर्वाइवल गेम है। और अगर यहाँ पे सीपीयू की बात करें इस गेम के लिए i3 होना चाहिए आपके पास 1st जनरेशन का, 4 GB की रैम होनी चाहिए और 1 GB या 512 MB का भी आपके पास ग्राफिक कार्ड है तो ये गेम चल जाएगी। तो मस्ट ट्राई कीजिएगा, इसका लिंक भी दे दूँगा आपको। नंबर 5 पे यहाँ पे रखा है मैंने वॉच डॉग 2 को। बेसिकली ये गेम पिछले दिनों पे कुछ महीने पहले एपिक गेम्स पे भी फ्री थी। अगर तो आपने रिडीम कर लिया तो ठीक है, नहीं तो फिर आपको क्रैक गेम यूज़ करनी पड़ेगी। लेकिन आपका भाई उसका भी आपको लिंक देगा, टेंशन नहीं लेनी। और सीपीयू की बात करें i5 2nd जनरेशन, 1st पे भी ये चलेगी। 6 GB रैम होनी चाहिए और 2 GB का ग्राफिक कार्ड होना चाहिए तो बेहतर है। 1 GB भी चल जाएगी, इशू नहीं है। 50 GB की आपके पास स्पेस अवेलेबल होनी चाहिए। रेकमेंड अगर आप गेम को सही खेलना चाहते हैं तो 2 GB का ही ग्राफिक कार्ड होना चाहिए। लिंक भी मिलेगा। नेक्स्ट पे चलते हैं। यहाँ पे नंबर 4 पे मैंने रखा है दी विचर 3 वाइल्ड हंट को। काफ़ी अच्छी ये गेम है, पर्सनली मुझे पसंद है। और इसके ऊपर तो एक वेब सीरीज़ भी आ चुकी है विचर, जिसके अंदर सुपरमैन वाला हीरो है। और काफ़ी वो गेम यानी कि गेम भी और सीरीज़ भी काफ़ी अच्छी मुझे लगी हैं। तो अगर इसकी स्पेसिफिकेशन की बात करें तो यहाँ पे i5 आपको 2nd जनरेशन का होना चाहिए आपके पास मिनिमम, और रैम 6 GB भी हो तो इशू नहीं है। GTX 660 और 6550 पे भी चल जाएगी। और तकरीबन 2 GB ग्राफिक कार्ड आपके पास होना चाहिए तो ये गेम बड़ी ईजी चलेगी आपके पास। और स्पेस आपके पास अवेलेबल होनी चाहिए 40 GB। लिंक भी दिया जाएगा। नंबर 3 पे मैंने फिर एक रेसिंग गेम को रखा है जिसका नाम है डर्ट रैली 2। और सीपीयू आपके पास इसमें कोई हैवी नहीं होने की ज़रूरत, i3 हो जाए तो चल जाएगा। 8 GB रैम चल जाएगी और 1 GB का ग्राफिक कार्ड ना भी है तो यार कोई बात नहीं, इंटेल HD ग्राफिक्स पे चला लो, ये गेम उस पर भी चलेगी। और यहाँ पे बात हो रही है इसकी स्पेस की, तो स्पेस के ऊपर आप स्पेस आपके हार्ड डिस्क में ये लेगी 50 GB। लिंक भी यार मैं साथ दूँगा आपको। नंबर 2 पे यहाँ पे बात करते हैं डाइंग लाइट की। डाइंग लाइट बेसिकली 2017 या पता नहीं 13 में आई हुई गेम है, लेकिन ग्राफिक के लिहाज से बड़ी ज़बरदस्त गेम है। ज़ॉम्बी सर्वाइवल गेम है ये। इसकी अपनी एक स्टोरी है सोल्जर की भी और एक वैसे भी। और एक जगह पे ये फंस जाते हैं। बेसिकली अरब कंट्रीज इसमें दिखाई गई हैं। सीपीयू की बात करें यहाँ पर तो 2nd जनरेशन का i5 हो तो बेहतरीन चलेगी, 1st जनरेशन का हो तो भी बेहतरीन चलेगी। रैम यहाँ पे 4 GB रिक्वायर्ड है, ग्राफिक कार्ड 1 GB रिक्वायर्ड है, लेकिन स्पेस 40 GB यानी 40 GB रिक्वायरमेंट होगी इसकी हार्ड डिस्क स्पेस की। गेम बहुत अच्छी है, मुझे पर्सनली पसंद है। लिंक इसका भी आपको मैं दूंगा। अब लास्ट पे बेसिकली मैंने कुछ ज़्यादा गेमें रखनी है। बेसिकली लास्ट पे मैं कोई 2 गेम्स बताऊँगा। फर्स्ट गेम मैं यहाँ पर आपको बताने जा रहा हूँ हिटमैन 3, जो कि अभी ही लॉन्च हुई है 2021 में। और बेसिकली बड़ी अच्छी गेम है ये। आपको स्पेसिफिकेशन के हिसाब से आपके पास सेकंड जनरेशन का i5 होना चाहिए तो ये गेम चलेगी। इसके अलावा आपके पास 6 से 8 GB के दरमियान में रैम होनी चाहिए, 2 GB आपके पास होनी चाहिए ग्राफिक मेमोरी यानी वीडियो रैम, ग्राफिक कार्ड कह लें सीधी तरह। और मेमोरी की अवेलेबिलिटी की बात होनी चाहिए तो 60 GB आपके पास हार्ड डिस्क में स्पेस होनी चाहिए, तो ये आपके पास चल जाएगी। ये तो थी 1 नंबर। इसके अलावा आप GTA 5 जानते हैं, GTA 5 भी इस लिस्ट में शामिल है। फर्स्ट जनरेशन का i5 हो उसमें भी वो चल जाएगी, उसका लिंक भी मैं आपको दे दूँगा। अच्छा जी, डाउनलोड करने के लिए गेम सबसे पहले आपने मेरे चैनल पे आना है या इसी वीडियो में आना है। तो फॉर एग्जांपल मैं कोई भी वीडियो में आ जाता हूँ, वीडियोस में आके मैं फॉर एग्जांपल यहाँ पर ये वाली जो नीचे रेजिडेंट ईवल की लास्ट वीडियो मेरी, इस पर क्लिक कर लेता हूँ और उसके बाद इसे पॉज करने के बाद मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में जाता हूँ। यहाँ पे ये डिस्कॉर्ड का लिंक ऊपर वाला आप देख रहे होंगे, ये वाला। अगर मैं इस लिंक पे क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे एक लिंक खुलेगा जो कि मेरे डिस्कॉर्ड का है। तो मेरे डिस्कॉर्ड पे ये देख लें ऊपर नीचे ऐसे लॉबीज़ बनी हुई हैं, ठीक है। लेकिन आपको इतनी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। आप बेसिकली देखेंगे ऊपर वाली साइड से, तो ऊपर वाली साइड से इस सेक्शन के अंदर ये देख सकते हैं ना, ऊपर से इस जगह पे सेक्शन पे डाउनलोड का सेक्शन बना हुआ है। तो जैसे आप डाउनलोड सेक्शन पे आएंगे यहाँ पे सारे लिंक्स प्रोवाइड मैंने किए होंगे ऑलरेडी, जब तक कि ये वीडियो आप देख रहे हैं। वहाँ से आप जो सी दिल आपका करे आप वहाँ से डाउनलोड कर लेना। तो उम्मीद है यार आप लोगों को आज की वीडियो पसंद आई होगी। मेहनत काफ़ी होती है यार वीडियो पे। अगर पसंद आई है तो फिर भी मैं यही कह रहा हूँ कि पसंद आई है तो यार लाइक कर दो, इतना मैं डिज़र्व करता हूँ। और चैनल को भी सब्सक्राइब कर दो ताकि मैं ऐसी वीडियो लाऊँ तो आपको सबसे पहले मिल जाए। तो मिलते हैं यार नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।